पे आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे 12 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण बिहार करंट अफेयर्स और इसी वीडियो में हम लोग सम्मिलित करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके आगामी एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो देखिएगा आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है आपके स्क्रीन पे है। बोल रहा है कि बिहार सरकार राज्य के कलाकार, हस्तशिल्प और कई अन्य जातीय कलाकार को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर पाने में मदद करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। यानी कि सवाल बोल क्या रहा है थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो बिहार सरकार है कौन सा ऐसा संस्था है जिसके साथ में एक MOU यानी कि जिसको समझौता ज्ञापन बोलते हैं उस पर हस्ताक्षर किया है। किस लिए? क्योंकि यहाँ के नृत्य को प्रोत्साहित करने के लिए, यहाँ के नृत्य हो जाएगा, यहाँ के संस्कृति हो जाएगा, यहाँ के हस्तशिल्प के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ दोनों के बीच में समझौता ज्ञापन पे आप लोगों को हस्ताक्षर देखने को मिलेगा। और जहां पे आप लोगों को क्या किया जाएगा, जो भी यहाँ के कलाकार होंगे उनको विदेशों में भी यहाँ से ख्याति प्राप्त हो सके, यानी कि उनके पॉपुलरिटी के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आपको इससे संबंधित कुछ और फैक्ट है जो आप लोग को हम बताने वाले हैं। अगर आप लोग को ऑडियो वीडियो क्लियर है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे बात करते हैं राज्य सरकार के जो आपका कला एवं संस्कृति विभाग है, जैसे आप लोग स्वास्थ्य विभाग देखते हैं उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, कला एवं संस्कृति विभाग होता है। और वहां पर 11 नवंबर को यानी कि बीते 11 नवंबर को हस्ताक्षर हुआ है। किसके बीच में? तो बिहार के कला एवं संस्कृति विभाग एवं सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ में, जहाँ पे यहाँ का मधुबनी पेंटिंग जिसको GI टैग मिला हुआ है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिहार का पहला GI उत्पाद अगर बोलेगा तो आप लोगों को क्या बताना है, तो आप लोगों को बताना है कि मधुबनी पेंटिंग जिसको GI टैग मिला हुआ था। और यहाँ पर जो मिथिला पेंटिंग है, यहाँ का लोक नृत्य है, यहाँ का विदेशिया लोक नृत्य वगैरह आप लोग देखे होंगे, विदेशिया हो जाएगा, यहाँ पे फगुआ वगैरह देखने को मिलता है। तो ये सब क्या होगा, विदेशों में भी इसका प्रस्तुति दिया जाएगा, उसके लिए एक MOU पे साइन हुआ है। कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं तो ये हमारे लिए गौरव की बात रहेगा। यहाँ के संगीत के बारे में, जैसे यहाँ पे भोजपुरी सॉन्ग होता है जो कि पारंपरिक भोजपुरी सॉन्ग, जैसे छठ गीत का आप लोग सुने होंगे जो कि शारदा सिन्हा के द्वारा जो प्रस्तुति किया जाता है, वो विदेशों में भी उनकी प्रस्तुति किया जाता है। लोकप्रिय त्यौहार, जैसे यहाँ का लोकप्रिय त्यौहार का जैसे तीज हो जाएगा, जितिया हो जाएगा, छठ पूजा हो जाएगा, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। इसके बाद आपको बात करें कि यहाँ के बिहार के समृद्ध वस्तुकला, जैसे वस्तुकला की अगर बात करें तो आप लोग को गया वाला जो पत्थरकट्टी इलाका है आप लोग देखे होंगे, पत्थरकट्टी में आपको क्या देखने को मिलता है, तो पत्थर शिल्प जो है उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसको विश्व स्तर पर प्रसिद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत को विदेशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए यह समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। यानी कि मेनली तौर पे आप समझ सकते हैं कि ये सवाल ये बोल रहा था कि जो भी बिहार के संस्कृति है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ के लोक पर्व है, यहाँ के संगीत है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। और ये याद रखना है, और ये भी कि जैसे बिहार दिवस जब मनाया जाता है तो विदेशों में भी बिहार दिवस कैसे मनाया जाए ताकि लोग बिहार के बारे में जान सके, बिहार के अतीत के बारे में जान सके, इसके लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ था। अगला सवाल बोल रहे हैं कि दो दिनों तक पटना चिल्ड्रेन फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन 12 एवं 13 नवंबर 2022 को कहां आयोजित किया जाएगा। यानी कि आज और कल, आने वाला कल को देखने को मिलेगा आप लोगों को, तो ये कहां पर होगा, ये बच्चों वाला फिल्म दिखाया जाएगा, देखे होंगे कुछ बच्चे, चिल्ड्रेन स्पेशल मूवी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कहां पर, तो संजय गांधी JV उद्यान में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो यहाँ पे ओपन थिएटर है वहां पर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, जहां पे क्या हो जाएगा, मूवी दिखाया जाएगा बच्चों से रिलेटेड, दो दिनों तक ये चलेगा। तो आपको याद रखना है पटना चिल्ड्रेन फिल्म फेस्टिवल कहां पर हो रहा, संजय गांधी जैविक उद्यान, और ये बिहार का पहला जू है ना, बिहार का पहला चिड़ियाघर अगर बोलेगा तो आप क्या बताइएगा, संजय गांधी जैविक उद्यान। यही अगर बोल दे कि बिहार का दूसरा अगर बताइएगा, बिहार का दूसरा अगर पूछा जाएगा कि बिहार का दूसरा बताइए आप, तो आप लोगों को क्या बताना होगा कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है, उसको कमेंट करके बताइएगा। जिनका भी बिहार SSC से रिलेटेड है, आप लोगों को कल रविवार को, जैसा कि हम बोले थे इसी सप्ताह मिलाने के लिए, तो रविवार को आप लोगों को जुड़ना है शाम के 4 बजे मेरा क्लासेज होगा। और जल्द ही आपको, अभी एग्जाम का ऐसा नहीं है कि एग्जाम का शेड्यूल जो फिक्स है उसमें समय में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा आप लोगों को, समय चेंज होगा, तो आप लोगों को बेफिक्र रहना है। अगर नहीं भी चेंज होता है तो आप लोगों को 20 तारीख से पहले सभी के सभी करंट अफेयर करा दिया जाएगा। 20 तारीख का आउटलाइन में दे देता हूँ आप लोग को,
20 तारीख का आउटलाइन है, यानी कि 20 तारीख को हम जितने भी बिहार एसएससी का जिनका भी एग्जाम देना होगा उनके लिए करंट अफेयर हम जल्द ही करा देंगे, तो 20 तारीख तक आप लोग को पूरा हो जाएगा। चलिएगा बताइएगा बिहार का दूसरा चिड़ियाघर, जब पहला चिड़ियाघर आपको संजय गांधी जैविक उद्यान जो बेली रोड फ्लाईओवर है वहीं पर देखने को मिलता है, तो दूसरा चिड़ियाघर कहाँ पे आप लोग को बताना है कमेंट करके, जहाँ पे मंकी पार्क भी आज शाम को 4 बजे नहीं कल शाम को 4 बजे आप लोग को यानी कि रविवार स्पेशल क्लासेज में हम लोग जुड़ेंगे। और ये सेशन जो सुबह का सेशन रहता है ये कभी बंद नहीं होता है, ये आपको किसी भी तरह का परिस्थिति होता है लेट भले हो जाए मगर आपको क्लास रेगुलर चलेगा ही चलेगा, चाहे आपका संडे भी हो उस दिन भी ये क्लास आप लोग को आयोजन किया जाएगा। तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ पे बन रहा है, तो अररिया, याद रखिएगा बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ पे, तो अररिया में बन रहा है, ये भी आप लोग को याद रखना होगा। तो यहाँ पर आप लोग को क्या होगा, अगर नहीं भी चेंज होता है तो आपको 20 तारीख तक सभी का सभी करा दिया जाएगा। और एक सवाल आप लोग को बहुत कंफ्यूज करता है कि सवाल पूछा जाएगा संजय गांधी नेशनल पार्क बताइएगा, जल्दी से बताना है कि संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा जल्दी बताइएगा संजय गांधी नेशनल पार्क आप लोग को कहाँ देखने को मिलता है। और एक बार सेशन को जितने लोग देख रहे हैं सेशन को एक बार पुनः शेयर करने का आप लोग प्रयास करिएगा, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिएगा बोल रहा था संजय गांधी नेशनल पार्क अगर बोले तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संजय गांधी जैविक उद्यान बोलेगा तो आप लोग को बताना है कि जो कि पटना में देखने को मिलेगा, संजय गांधी नेशनल पार्क बोलेगा तो आप लोग को नेशनल पार्क में कंफ्यूज नहीं होना है, ये महाराज चला जाएगा आंसर। देखिए दोनों में कितना कंफ्यूजन आप लोग को क्रिएट होगा, संजय गांधी नेशनल पार्क बोलेगा तो कहीं और चला जाएगा, संजय गांधी जैविक उद्यान तो ये अपना बिहार में देखने को मिलता है। चलिएगा देखते हैं अगला सवाल, उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे मुख्य अतिथि कौन थे, तो यहाँ पे मुख्य अतिथि रहेंगे यानी कि आज ही के दिन होगा, तो यहाँ पर अभी जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री हैं जिनका नाम है तेज प्रताप यादव, तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, बड़े बेटे, और ये कहाँ से चुनाव क्षेत्र है इनका, हसनपुर, हसनपुर से विधायक है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर उद्घाटन किनके द्वारा, देखिए यहाँ पे मुख्य अतिथि जो रहेंगे तेज प्रताप यादव मगर उद्घाटन किनके द्वारा, तो अभी कला एवं संस्कृति विभाग के मंत्री हैं जितेंद्र कुमार राय के द्वारा किया जाएगा। और आप लोग को बता दूं ये मूवी दिखाने वाला, देखिए ये मूवी का नाम आप लोग देखे भी नहीं होंगे सुने भी नहीं होंगे, लगभग में 30 मिनट का जो पहला फिल्म आज चलाया जाएगा जो 11 बजे से चलाया जाएगा पकड़ा गया, एक मूवी का नाम है पकड़ा गया, बच्चों से रिलेटेड है। इसके बाद जो मूवी का 13 तारीख को जो टकटक मूवी है, बंडू बॉक्सर, सिक्सर, सुमी, ये सब मूवी यानी कि बच्चों से रिलेटेड मूवी, अगर आपके घर परिवार में अगर कोई बच्चे हैं तो आपको जरूर जाइए वहां पर जाके इस मूवी का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं कोई का जो चार्ज वगैरह नहीं पे करना है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर आप जाइएगा तो किन से मिलिएगा, जैसे आ जाइएगा आप वहाँ पे तो आप वहाँ पे संजय मिश्रा से मिल सकते हैं, संजय मिश्रा कॉमेडियन का नाम आप लोग सुने होंगे, संजय मिश्रा, संजय मिश्रा का सभी लोग वाकिफ होंगे इनके नाम से, ये अभिनेता हैं जाने माने और कॉमेडी से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कॉमेडी मूवी इनका आया हुआ है, ये भी आप लोग को याद रखना होगा। और संजय मिश्रा कहाँ से बिलोंग करते हैं ये याद रख लीजिएगा, दरभंगा से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बिहार का नाम जो है भारत लेवल पे रोशन कर रहे हैं, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं तो अपने दरभंगा जिला से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे संजय मिश्रा आप लोग को याद रखना है। और केवल याद रखिएगा ये कहाँ पे आयोजन हुआ, बस इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है कि किस शहर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर का सरस्वती सम्मान समारोह में पूरे भारत के 100 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया, यानी कि 100 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं सम्मानित किया गया तो कहाँ पे सम्मानित किया गया हाल ही में, इनको अवार्ड का नाम क्या है, सरस्वती सम्मान समारोह, यानी कि सरस्वती सम्मान समारोह में 100 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को कहाँ पे सम्मानित किया गया बिहार के, वह कौन सा शहर, तो बोध गया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोध गया को हम लोग ज्ञान एवं तप की भूमि बोलते हैं, ज्ञान एवं तप की भूमि बोलते हैं, ज्ञान एवं तप की भूमि, और ये वही धरती है जहाँ पे महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था, तो बोधगया में, आप लोग को याद रखना होगा। और आप लोग को एक और याद रखिएगा कि यहाँ पे बोधगया में आप लोग को क्या देखने को मिलता है, महान जागृति मंदिर, बहुत सारे लोग ये नाम सुन के कन्फ्यूज करते होंगे, तो आप लोग को बता दूं जो पुराने स्टूडेंट मेरा होंगे उनको पता होगा कि महान जागृति मंदिर किसे बोला जाता है, महान जागृति मंदिर। देखिए एक चीज आप लोग को कंफर्म करना चाहते हैं, जब आप मेरे से जुड़े हुए हैं
तो आप लोग को कंफर्मेशन होना चाहिए कि जब मेरे ऊपर आपका जितना भी आपका कैरियर हो वो मेरे ऊपर अब आ गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपका करंट अफेयर से जितने भी सवाल बनेंगे वो कहीं ना कहीं नंबर गेन कराने का हम प्रयास करेंगे। आप लोग को ज़्यादा ज़्यादा नंबर हो तो आप लोग को समय से सिलेबस को कवर किया जाएगा, उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। जैसे कि बिहार SSC का आप लोग को डिमांड है कि जल्द है, तो जल्द ही हम 20 तारीख से पहले सभी का सभी करंट अफेयर आप लोग को करा देंगे। कल के सेशन में जुड़िएगा, स्पेशल सेशन लेकर आप लोग को लगभग में 250 से 500 के बीच में हम आप लोग को करंट अफेयर का सवाल करा देंगे, ताकि सभी सवाल वहाँ से देखने को मिल जाएगा। महाबोधि मंदिर जो कि कहाँ पर देखने को मिलता है, तो बोधगया में, इसी को महाबोधि मंदिर भी बोला जाता है। महान जागृति मंदिर को महाबोधि मंदिर, आप लोग अगर गया से बिलोंग करते हैं तो जरूर इस जगह को जाइएगा। ये गया जिला में आप लोग को देखने को मिलेगा। कौन सा जिला, अगर जिला बोलता तो गया जिला। चलिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिए, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सेशन को शेयर करना नहीं भूलना है। मुजफ्फरपुर का हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो मुजफ्फरपुर को शाही लीची के रूप में जानते हैं। लीची का शहर किसे कहा जाता है, यानी कि शाही लीची के रूप में हम लोग मुजफ्फरपुर को जानते हैं। और अगला आप लोग को गया के बारे में आप लोग को बता दूं, गया जो होता है सबसे गर्म जिला में से माना जाता है ना, और ये दक्षिणी बिहार का जिला है। दक्षिणी बिहार का जिला आप लोग को देखने को मिलेगा, ये भी आप लोग को याद रखना होगा। हाँ, बिहार CGL के लिए आप लोग को जल्द ही हो जाएगा। एक सवाल और पूछे जाने की संभावना हो सके आपका बिहार SSC में, ये सवाल आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये VVI सवाल है, थोड़ा सा याद कर लेना है। देखिए, सवाल को कहा नहीं जा सकता है कि बिहार SSC में कितना सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत पहले ही इसका एग्जाम हो चुका है, जबकि करंट अफेयर का दायरा उस समय कम था, मगर अब आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे वहाँ पर करंट अफेयर आपको ज़्यादा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो दो सवाल हम बताते हैं, हो सके आपका हूबहू सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। बोल रहे हैं कि एक पुरस्कार होता है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो कि 5 सितंबर को दिया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। तो आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो 2022 वाला दिया गया, कितने लोगों को बिहार से मिला है। ऐसे भारत की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे बिहार की बात करें तो आप लोग को बात करें तो यहाँ पर 2 लोगों को मिला। एक किन को मिला, तो एक याद रखिएगा सौरभ सुमन को, एक किन को मिला सौरभ सुमन को, और एक निशी कुमारी को। दोनों का नाम नहीं भूलना है, एक निशी कुमारी और एक सौरभ सुमन को, जिनको कि नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 किन को मिला, तो 2 लोगों को मिला। और ये सवाल हो सके पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, निशी कुमारी और सौरभ सुमन, ये VVI सवाल रहेगा। बस याद रखिएगा, अगर ज्यादा ज्यादा घुमाने का प्रयास अगर क्वेश्चन करता है तो सौरभ सुमन का पूछेगा ये कौन सा विद्यालय से, ऐसा सवाल हालांकि देखने को नहीं मिलेगा, केवल नाम आपसे पूछा जाएगा। निशी कुमारी जो कि कहाँ पे पढ़ाती थी, तो ये पटना में जो है वहां पे एक हायर स्कूल है। और ये जो है सौरभ सुमन जी है, ये कहाँ पे, एक प्रोजेक्ट हाई स्कूल है जो कि सुपौल जिला में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये पटना में पढ़ाती थी, ये सुपौल में पढ़ाती थी, ये भी याद रखना होगा। अगला सवाल बोल रहा है आपका 4 नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल, और इस एरिया से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप लोग को इसके बारे में, ये सवाल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग बिहार करंट अफेयर की बात करते हैं तो बिहार करंट अफेयर वैसा पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा आपके आम जीवन में, यानी कि बिहार में क्या चल रहे हैं, कौन सा घटना जो है अभी घटित हो रहा है, जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट रहे हैं। चलिएगा, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा, या बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा। तो बोल रहा है आमस, आमस जो है औरंगाबाद जिले से में आपको पड़ता है। तो बोल रहा है कि औरंगाबाद से दरभंगा एक्सप्रेसवे बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा, या बिहार के कितने जिलों को जोड़ेगा, तो ये बिहार के 7 जिला को जोड़ेगा, बिहार के 7 जिला को आप लोग को जोड़ेगा। तो चलिए देखते हैं वो 7 जिला कौन कौन सा है, अगर आपका जिला अगर इसमें आता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। 7 जिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिएगा, 7 जिला की अगर बात करते हैं, ये औरंगाबाद से शुरू होगा, फिर उसके बाद औरंगाबाद के बगल में ही दक्षिण बिहार का जिला गया है, इसके बाद जहानाबाद को जोड़ेगा, पटना को, वैशाली को, समस्तीपुर और दरभंगा। यानी कि बोल सकते हैं कि आपका जो ये दक्षिणी बिहार का इलाका है उसको कहाँ से जोड़ेगा, उत्तरी बिहार से जोड़ने का ये प्रयास करेगा, जिसका नाम क्या रखा गया है, तो ये आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे है, जो कि बिहार का पहला एक्सप्रेसवे के रूप में देखा जा रहा है। एक और सवाल पूछा जाएगा कि इसका किलोमीटर बताइएगा, तो 189 किलोमीटर आप लोग को याद रखना है। इसकी लंबाई जो रहेगा, लंबाई की अगर बात करते हैं तो लंबाई 189 किलोमीटर आप लोग को याद रखना होगा। और इसकी आधारशिला कब रखा जाएगा, यानी कि 2 दिन बाद, यानी कि आज 12 नवंबर है तो ये 14 नवंबर को रखा जाएगा। और इसका जो आधारशिला रखने का, यानी कि बनने का काम जो है 14 नवंबर से शुरू हो जाएगा, और बोला जा रहा है कि अगले 2 सालों में, यानी कि 2024 तक इसको क्या कर लिया जाएगा, पूरा कर लिया जाएगा। तो ये केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अभी कौन है, नितिन गडकरी, इनके द्वारा जो है इसको आधारशिला रखा जाएगा और ये बन जाएगा, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे बनेगा, और ये 2024 तक इसका जो है काम पूरा होने का। अब देखिए, ऐसा बोला गया था कि 2023 में इसका काम पूरा कर लिया जाएगा, अब डिले होते जा रहा है, धीरे धीरे आप लोग को डिले होते जा रहा है।
और अगर इस जिला से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या इसमें से कोई जिला से बिलोंग कर रहे हैं, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा, तो आपके यहाँ एक एक्सप्रेस वे जुड़ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप इंटरव्यू में बैठिएगा तो आपका सभी चीज़ें इंटरव्यूअर के पास पहले से उपलब्ध रहता है कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, कौन सा जिला से बिलोंग करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि आप अपने जिला के बारे में बताइए कुछ विशेषता, तो आप बता सकते हैं वहाँ पे कि देखिए हमारा वो जिला है जहाँ से बिहार का पहला एक्सप्रेस वे गुजरती है जो कि कहाँ कहाँ जोड़ेगी। तो इस तरह से इंप्रेशन थोड़ा सा अच्छा बनता है और ऐसा नहीं है कि सब सवाल एग्जाम के लिए ही पढ़ा जाता है, कुछ ऐसे चीज़ भी होते हैं जो अपने बिहार के बारे में आपको मेन्स में भी लिखने में सहायता प्रदान करेगा। तो ये सेशन वन ऑफ द बेस्ट सेशन में से एक रहेगा, इसको प्यार दीजिए, अपना दुलार दीजिए, आप लोग जितना ज्यादा हो सके शेयर करने का प्रयास करिए। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या रहेगा। आपको मत करूं कि ये इस परियोजना पे अगर बोला जाए लगभग में कितना पहले बोला जा रहा था कि 5,000 करोड़ खर्चा होगा, अब इस पे आप बोला जा रहा है कि 6,000 करोड़ रुपए लगा। जब बन जाएगा तब पता चलेगा कि वाकई में कितना यहाँ पे खर्चा होगा, वाकई में यहाँ पे कितना खर्चा होगा। तो आपको 6,000 करोड़ रुपया अभी बोला जा रहा है तत्काल कि इसको में खर्चाएगा। और एक और चीज कि NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस एक्सप्रेसवे को NH 119D के रूप में अधिसूचित किया, यानी कि नोटिफाइड। ये भी सवाल आपका इंपॉर्टेंट बनेगा, बोलेगा अगर कि बिहार का जो पहला एक्सप्रेसवे है जो कि आमस को किससे जोड़ेगा, तो आमस को दरभंगा से जोड़ेगा, तो इसको NHAI ने क्या अधिसूचित किया है, कौन सा नाम से, तो आपको याद रखना है NH 119D याद रखना होगा, ये नाम भूलना नहीं है। तो ये सब सवाल बनेगा, इससे ज्यादा सवाल नहीं बनेगा और इसका MCQ भी हम कराएंगे। जब आपको जैसे ही आपका ये मंथ खत्म होगा तो आप लोग को जितने भी करंट अफेयर बैग का है तो आप लोग को पार्टिकुलर वीडियो में देने वाले हैं, सब कंटेंट रेडी हो रहा है, धीरे धीरे केवल क्लास का आप आनंद लीजिए। आने वाले समय में वीडियो का बौछार होने वाला है आपको इस चैनल पे, तो जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जल्द ही हम अक्टूबर के जितने भी महत्वपूर्ण, आपको बीते अक्टूबर को बात करें, अभी तो नवंबर है, तो एक और चीज करेंगे 1 से लेकर 15 नवंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण, जैसे 15 तारीख जब आएगा तो आप लोग को 1 से लेकर 15 नवंबर के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण बिहार करंट अफेयर होंगे उनको एक पार्टिकुलर वीडियो में डाल देंगे ताकि आप लोग रिविजन आसानी से कर सके, क्योंकि इस वीडियो में नेशनल और इंटरनेशनल और बिहार करंट अफेयर सभी इंक्लूडेड रहता है। अगला सवाल 5 नंबर सवाल है, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से एक रहेगा। आपको कहीं ना कहीं बिहार को ये गौरवान्वित कर रहे हैं, बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, और ये सवाल बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के सलाहकार कोर ग्रुप के सदस्य में नसीमा खातून को शामिल किया गया है। इनका जन्म बिहार के किस जिला में हुआ है, तो इनका नाम नहीं भूलना है, नाम क्या है, नसीमा खातून। और ये क्या है, तो ये समाज से भी बोल सकते हैं, एक NGO चलाती है, ये NGO चलाती है और इनका जन्म बिहार के किस जिला में हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये मुजफ्फरपुर में रहने वाली है और ये रेड लाइट एरिया में पली बड़ी है और ये कहीं ना कहीं हमारे बिहार के लिए गौरव की बात है कि इनको NHRC में यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इनको जगह दिया गया है, वहां पे सलाहकार समिति में इनको सम्मिलित किया गया है। अब इनके बारे में आपको बात करूं तो ये खुद से बोल देती है यानी कि कभी भी हिचकती नहीं है, अपने जो भी परिवेश में रही है, पली बड़ी है, रेड लाइट एरिया में पली बड़ी है, तो ये बोली है डॉटर ऑफ सेक्स वर्कर, यानी कि वो इलाका से ये बिलोंग करते हैं जहाँ पे जो वेश्यावृत्ति पनपती है वहां से ये बिलोंग करती है और वहां के बारे में आवाज उठाती है, वहां के बारे में आवाज उठाती है पिछले 2 दशकों से। दशक का मतलब क्या होता है बाबू, देखिए एक दशक के बारे में आप लोग को बता दूं, दशक के मतलब बताइएगा, एक शताब्दी होता है, शताब्दी अलग चीज होता है, शताब्दी मतलब 100 साल, और दशक का मतलब एक दशक में कितना होता है, 10 साल होता है। तो पिछले 20 सालों से ये क्या कर रहे हैं कि अपने जो लोग हैं रेड लाइट एरिया के जो लोग हैं उनकी आवाज को हमेशा से उठाते आए हैं, उनकी बेटियों का शिक्षा देखे होंगे कि जो वेश्यावृत्ति वाला जो इलाका हो जाता है, हर जिला बिहार के 3800 जिला में आप लोग को देखने को मिलता है, तो वहां पे ये चीजें हैं कि आपको वहां पे उनके अधिकार को दिलाने के लिए जो वेश्यावृत्ति में सम्मिलित हुए हैं, तो वहां पे आप लोग को क्या है कि यहाँ पे आप लोग को जो है बेटियों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। और 2004 में नसीमा ने जुगनू नामक एक हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी, हस्तलिखित पत्रिका जो होता है हाथ से लिखा हुआ जो है यहाँ पर पत्रिका था और यह यौन कर्मियों के बच्चों द्वारा पूरी तरह से हस्तलिखित संपादित और छायांकित है, यानी कि एक पत्रिका निकाली थी जो कहीं ना कहीं उनके अधिकार को बताता है, उनके राइट्स के बारे में, सभी लोग उनके बारे में गलत सोचते हैं उनके बारे में बताते हैं, और वो पत्रिका का नाम क्या है, जुगनू नामक एक पत्रिका है जहाँ पे अब 32 पेज का हो गया है, हर महीना प्रकाशन होता है, जहाँ पे जो भी यौन कर्मी के जो भी बच्चे होते हैं
उनके द्वारा संदेश दिया जाता है, मैसेज दिया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। और जो भी बिहार राज्य में जितने भी यौन कर्मियों से जो बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, इसके अलावा जो उनके बारे में जो है गलत गलत भावनाओं को बताया जाता है लोगों को, उनके प्रति जो है लोगों को जागरूक करने के लिए ये जुगनू नामक भी पत्रिका तो कहीं ना कहीं अपने समाज को लेकर आगे बढ़ रही है। और ये सबसे एक महिला के लिए सबसे गौरवपूर्ण बोल सकते हैं, ऐसे भी बिहार जो है अपना इतिहास ही ऐसा है कि जो स्वर्णिम पन्नों में लिपटा है। तो ये कहीं ना कहीं अपने समाज को लेकर, अपने जो भी रेड लाइट एरिया के लोगों हैं उनको आवाज़ हमेशा से उठाते आए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पिक्चर में कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा इनको नसीमा को जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पे इनको मोटिवेटर के रूप में, यानी कि बोल सकते हैं स्पीकर के रूप में इनको बुलाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर के द्वारा इनको भी पुरस्कृत भी किया गया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो लोग नए वीडियो देख रहे हैं, आपको बता दूं कि मेरे द्वारा दो सेशन आप लोगों को डिजाइन किया जाता है, और इसके अलावा स्पेशल सेशन तो ढेर सारे आते हैं। और जल्द ही हम देश दुनिया के बारे में आप लोग को रूबरू कराएंगे, और जल्द ही वो इफेक्टेड वीडियो रहेगा, वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो रहेगा, उसको भी जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं। आप लोग एक और काम करिएगा, अगर बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बीपीएससी का, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा का, अगर आप लोग बिहार मध्य निषेध देते हैं, बिहार कॉन्स्टेबल का एग्जाम देते हैं, तो ये सेशन को देखना नहीं भूलना है। यहाँ से डायरेक्ट सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इसमें लगभग हम लोग 115 टॉपिक को कवर करते हैं, यानी कि 115 जो चैप्टर होते हैं उस पे आधारित सवालों को करेंगे। और रोजाना एक टॉपिक से एक सवाल रहते हैं, लगभग में इसमें देखने का 15 सवाल रहते हैं, मगर इसमें 200 के करीब में हम लोग सवाल को करते हैं। तो ये सेशन वन ऑफ द बेस्ट सेशन में से एक है, और जो कि आप लोग को सेट नंबर 10 है। आप सोचिएगा ये सेशन हम कंटिन्यू रखेंगे, आप लोग को 10वां सेट चल रहा है, 10 वीडियो ऑलरेडी होने वाला है। और ये सेशन कब चलता है तो आप लोग को सुबह में 9 बजे मिलेगा, सुबह में 9 बजे ये सेशन आप लोग के लिए डिजाइन किया जाता है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखना है और आनंद लेना है, अपने भारत के बारे में जानना है। इसके अलावा अगर जो टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पे जो भी रोज के पढ़ाया जाता है, रोज का चीजें, उसको क्या किया जाता है, वहां पे आपको पीडीएफ जो है प्रिंट फॉर्मेट में मिलेगा। प्रिंट फॉर्मेट का मतलब होता है जिसको आप आसानी से रिवीजन कर सके। जैसे एक तो आपको बोर्ड पीडीएफ मिलता है, बोर्ड का पीडीएफ देते हैं, और यहाँ पे आप लोग को जो है एक और पीडीएफ देता हूं मैं जिसको आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, तो प्रिंट आप लोग को करवा सकते हैं सब। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। बोल रहा है 6 नंबर सवाल, अब थोड़ा सा करंट अफेयर्स में इजाफा देखने को मिलेगा, ढेर सारे सवाल हम लोग करेंगे। अगला सवाल है, बोल रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा, जिसको बोलते हैं स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, का अनावरण किस शहर में किया। तो कहाँ पे किया गया नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, इनको माना जाता है बेंगलुरु शहर का बोल सकते हैं आप लोग की संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। यानी कि पूछेगा कि बेंगलुरु शहर के संस्थापक के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो बेंगलुरु शहर के संस्थापक के रूप में नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा को जाना जाता है। और इन्हीं का जो है समृद्धि की मूर्ति जो है आप लोगों को यहाँ पर अनावरण किया गया, किनके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पे, तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु को हम लोग क्या कहते हैं, अगर स्टैटिक जीके अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी अगर देखे होंगे, आप लोग को बेंगलुरु का उपनाम के बारे में बताइएगा, कौन कौन सा आपका उपनाम देखने को मिलता है, जल्दी से कमेंट करके बताना है। जैसे कलकत्ता को हम लोग महलों का शहर, सिटी ऑफ जॉय के रूप में जानते हैं, अहमदाबाद को क्या बोलते हैं, अहमदाबाद को बोस्टन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो उसी तरह से बेंगलुरु को आप लोग को बताइएगा। सर, जैविक उद्यान और नेशनल पार्क में क्या अंतर होता है, देखिएगा कुछ कुछ चीजें जो है हम जल्द ही आप लोगों को कंफ्यूजन दूर करेंगे। पक्षी विहार क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, तो ये सब सवाल जो है ठीक करते हैं कि आप लोग पूछ लेते हैं। आप लोग कमेंट में जाके बाद में भी कर दीजिएगा कि आपको कौन सा कंफ्यूजन होता है, उसको जो है हम बहुत अच्छा से डिटेल में कवर करेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को टाइगर रिजर्व में कन्फ्यूजन होता है, एलिफेंट रिजर्व को लेकर कन्फ्यूजन होता है, नेशनल पार्क को लेकर होता है, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर कन्फ्यूजन होता है, जू को लेकर कन्फ्यूजन होता है, तो सभी आप लोग को दिक्कत हम जल्द ही आप लोग को जो है कहीं ना कहीं आपको निवारण करने का प्रयास करेंगे। साइंस सिटी के नाम से बेंगलुरु को, स्पेस सिटी के नाम से, और भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से, और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, तो जो कि गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा, जो कि प्रतिमा को देख सकते हैं, भव्य प्रतिमा है। कितना ऊंचाई है, तो 108 फीट है, 108 फीट ऊंची है, जो कि कहाँ पे, बेंगलुरु में इसको अनावरण किया गया है। और आपको बता दूं कि इसमें कितना टन, इसमें अगर वजन की अगर बात करें तो इसमें 98 टन कांस्य और 120 टन जो है स्टील का, यानी कि इसमें जो बना है ये कांस्य का भी इस्तेमाल किया गया है और टीन का भी इस्तेमाल किया गया है। तो टीन कितना रहा है, तो इसमें 120 टन
टीन जो रहा है 120 टन, वहीं कांस्य की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 98 टन देखने को मिलता है। यह भव्य प्रतिमा जो कि कहाँ पे हुआ स्थापित, तो आप लोग को बेंगलुरु में। केवल तीन सवाल याद रखिए, कहाँ स्थापित हुआ, क्या क्या लगा है इसमें, और कहीं ना कहीं इसका बनाने का श्रेय जाता है रामवीर सुतार को। रामवांजी सुतार का नाम आप लोग सुने होंगे, जिनके द्वारा स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है रामवांजी सुतार के द्वारा बनाया गया है, उन्हीं के द्वारा यह संकल्पित किया गया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा जिसके बारे में आप लोग को सवाल किसी भी तरह कर रहे हैं तो हम कमेंट नहीं ले पाते हैं, तो आप लोग वहां जाके यहां पे पूछ रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी के लिए, तो आप जाके कमेंट में जाके जरूर पूछिएगा सवाल को, वहां पे आप लोग को कमेंट करवा दिया जाएगा। बोल रहा है कि एक और चीज जान लीजिएगा कि इसके अलावा बेंगलुरु में ही इनके द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कनक दास एवं महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमा पे भी पुष्पांजलि अर्पित किए। कनक दास की अगर बात करें तो कौन सा साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो कन्नड़ साहित्य से जुड़े हुए थे, आप लोग को याद रखना है। पूछेगा कनक दास जो संत कवि है उनका संबंध कौन सा लैंग्वेज से है, तो आपको कन्नड़ का, और कन्नड़ कहाँ पे बोला जाता है, तो कन्नड़ लैंग्वेज जो होता है आपको कर्नाटक वाला इलाका में, जैसे गोवा में जाते हैं कोंकणी, मलयालम केरल में देखने को मिलेगा, तमिल जो है तमिलनाडु वाला इलाका में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या देखने को मिलता है, तेलुगु देखने को मिलता है। चलिएगा ये सेशन आप लोगों को सुबह में 7 बजे आयोजन होता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि केम्पेगोड़ा हवाई अड्डा का भी इनके द्वारा उद्घाटन किया गया, जो टू जो है केम्पेगोड़ा हवाई अड्डा टू है जिसको जीर्णोद्धार किया जा रहा है, क्योंकि उद्घाटन समारोह किनके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। बोला 7 नंबर की केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है, जिनके द्वारा ESIC ऑनलाइन मातृत्व हित लाभ दावा पोर्टल शुरू किया गया है, तो ये याद रखना है जिसका नाम है मातृत्व हित लाभ दावा पोर्टल, किनके द्वारा शुरू किया गया है। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलना है, तो ये भूपेंद्र यादव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान क्या है, अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, भारत के शिक्षा मंत्री बोलेंगे तो आप लोगों को बताना है धर्मेंद्र प्रधान। मनसुख मांडविया जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर भारत के कौन हैं, तो आप लोगों को याद रखना है स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका नाम है मनसुख मांडविया। और राजकुमार सिंह जो कि कहाँ से सांसद हैं, तो ये बिहार से बिलोंग करते हैं, जगह है आरा, आरा से वर्तमान में सांसद है। और अभी कौन सा विभाग के मंत्री है, तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आप लोग को देखने को मिलेगा। चले जिनका भी बड़ा बड़ा लंबा सा कमेंट है ना, वो जाके कमेंट को चिपकाना है वीडियो खत्म होने के बाद, क्योंकि लाइव सेशन में हम उसको नहीं पढ़ पाते मामू, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो भी सवाल होता है आप कमेंट जो है वीडियो एंड होने के बाद जरूर पूछेगा, आपको बताया जाएगा। भूपेंद्र यादव याद रखिएगा, राजकुमार सिंह आरा से सांसद है, और राजकुमार सिंह के बारे में आपको बता दूं कि ये कौन सा मंत्रालय के मंत्री है, तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, और ये बिहार के लिए गौरव बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं अगर कैबिनेट में शामिल होता है तो बिहार का ही ना नाम रोशन हो रहा है, तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आप लोग याद रखना है। अगला सवाल देखिएगा, उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ESIS जो है ऑनलाइन मातृत्व लाभ दावा पोर्टल को शुरू किया गया है, और आपसे पूछा जाएगा कि ESIC जो है आप लोगों को इसका जो है निदेशक कौन देखने को मिलते हैं, महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो राजेंद्र कुमार याद रखिएगा, राजेंद्र कुमार। कभी कभी नियुक्ति से भी पूछता है, जैसे नीति आयोग से सवाल आ जाएगा, DRDO का चेयरमैन, इसरो का चेयरमैन, तो उसी तरह से ESIC जो कि आप लोगों को पूछेगा, ESIC का जो है अभी वर्तमान में बताइएगा कि महानिदेशक कौन है, तो आपको क्या याद रखना होगा, राजेंद्र कुमार केवल याद रखिएगा। अगला सवाल बोल रहा है 8 नंबर की 11 नवंबर 2022 को भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी EFP की 9वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। ये डायरेक्ट सवाल केवल याद रखना है, ज़्यादा इसमें आपको नहीं करना है कोई चीज़ें, क्योंकि देखिए एग्जाम निकालने के लिए आपको जो है कुछ कुछ चीज़ों को स्किप करना होता है, जो चीज़ें काम की नहीं है उसको हटा देना है, जो काम की चीज़ें हैं वो अपने माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है, कहीं ना कहीं रोजाना चेंज होता है, रोजाना कितना पढ़ते रहना है। चलेगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं मिलता है, मिलेगा अगली बार से आप लोग को। 8 नंबर 11 नवंबर 2022 को भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी EFP की 9वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नई दिल्ली हो जाएगा। अगर कमेंट में आपको आंसर नहीं मिलता है तो अगले दिन हम क्लास में जरूर आपका, अगर जेन्यून क्वेश्चन होगा जो सबको फायदा हो तो उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर पिक्चर में जो आप देख रहे हैं इस यहाँ पर बताना है कि ये जो महिला आप पिक्चर में देख रहे हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है। हिंट के लिए आपको बता दूं कि ये वर्तमान में वित्त मंत्री हैं भारत के वित्त मंत्री हैं। आप लोग बताइएगा यहाँ पर जो पिक्चर में देख रहे हैं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर इंडिया US बिजनेस एंड इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटी हुआ वो कहाँ पर हुआ, तो ये
आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिला जो कि नई दिल्ली में देखने को मिला, जो कि 11 नवंबर को हुआ था। डायरेक्ट सवाल आपको याद रखना है। अगला सवाल बोल रहा है 9 नंबर कि 14 से 27 नवंबर 2022 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में कितनवें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 का आयोजन किया गया, यानी कि कितनवा संस्करण था जिसका नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, क्योंकि 2022 में आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक? तो 14 से 27 नवंबर तक याद रखना है। और अभी जो सवाल बोले कि अभी भारत में वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो एक जो है आप लोगों को याद रखना है ये भी कि कहाँ पे, तो नई दिल्ली याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में। और बोल रहा था कितनावा संस्करण है अब, तो ये 41वां, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 41वां संस्करण हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। उससे पहले देख सकते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो कि कहाँ पे आयोजन किया जाएगा, तो जिसका आयोजन जो किया जाएगा, जो कि आप लोग को याद रखना है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आप लोग को देखने को मिलता है। और जहाँ पे जो राजस्थान का टूरिज्म है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं क्या है। बोला है कि हाल ही में 16वां एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन डाइहोयल डिजीज एंड न्यूट्रिशन, यानी कि ये क्या है कि डायरिया से संबंधित बात कर रहे हैं हम लोग। डायरिया जो रोग होता है, डायरिया रोग और पोषण के लिए एक आयोजन किस शहर में किया गया, तो ये 16वां संस्करण हुआ, तो ये कहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता में देखने को मिलता है। जैसे लखनऊ को हम लोग क्या कहते हैं, तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहता है, सिटी ऑफ निजाम किसको कहते हैं, ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि सिटी ऑफ निजाम किसको, तो हैदराबाद को मोतियों का शहर और सिटी ऑफ निजाम कहा जाता है। नई दिल्ली को क्या कहा जाता है बाबू, तो नई दिल्ली को हम लोग रैलियों का नगर, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे देखे होंगे कि पॉलिटिकल पार्टी से जो संबंधित लोग होते हैं रैली वगैरह निकालते हैं, और ऐसा है कि इसको भारत का दिल भी इसको कहा जाता है, नई दिल्ली को भारत का दिल भी कहा जाता है। तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं ये पिक्चर में जो कि कहाँ पे आयोजन किया गया, कोलकाता में, जिसको संबोधन किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री, जैसे क्या होता है एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है। राज्य मंत्री क्या करता है कि जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं उनको जाकर रिपोर्ट देते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या चल रहा है विभाग में, कौन कौन से काम उनके द्वारा पूरा किया गया है। तो अभी राज्य मंत्री कौन है स्वास्थ्य राज्य मंत्री में, तो आपको याद रखना है भारती पवार नाम है उनका, भारती पवार याद रखना होगा, भारती पवार आप लोग याद रखिएगा, जो कि वर्तमान में क्या है, तो भारती पवार जो है आप लोग को देखने को मिलता है, जो कि अभी केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। अगला सवाल 11 नंबर के, हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखिएगा यहाँ सवाल को समझना है, बोल रहा है विश्व विज्ञान दिवस, एक अपना भारत में, भारत में जो भी मनाया जाने वाला दिवस रहता है, तो आप लोगों को क्या है, हाँ तेजस्वी प्रसाद यादव के जन्म के बारे में बताना है। चलिए तेजस्वी प्रसाद यादव का जन्म जो होता है 9 नवंबर को मनाया जाता है, बहुत जगह जो है गलत आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग को याद रखना है 9 नवंबर को याद रखना है, 9 नवंबर को इनका जन्मदिवस मनाया जाता है, तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप नहीं, यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं जो कि वर्तमान में डिप्टी सीएम है, तो 9 नवंबर को होता है। तो हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, देखिएगा एक भारत में जो भी दिवस मनाया जाता है तो 9 नवंबर होता है। तो बोर्ड पीडीएफ जो भी नहीं मिला है उसको हम खुद से हाथ से बना के उसको लिख कर भेज दूंगा आपको, कभी कभी जो होता है ना टेक्निकल एरर की वजह से नहीं हो पाता है। चलेगा यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे विश्व विज्ञान दिवस बोल रहा है तो ये 10 नवंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर सवाल पूछा जाए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइएगा, 9 नवंबर मेरा सही था। चलिए 9 नवंबर किनका किनका 9 नवंबर आया था भाई, 9 नवंबर ही आपका राइट आंसर होगा। ऑफिशियल पे जाइएगा आरजेडी का जो वेबसाइट होता है वहां पर 9 नवंबर को मेंशन करता है। तो यहाँ पर हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया, तो आप लोग को याद रखना है 10 नवंबर को आपको मनाया गया, ये याद रखना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बोलेगा जल्दी से बताना है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से आंसर करना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो ये कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि वो समय था 28 फरवरी 1928 जब सीवी रमन जो भौतिकी के जाने माने वैज्ञानिक हैं और भौतिकी के क्षेत्र में उनको रमन प्रभाव के लिए जो है वो कहीं ना कहीं इनको जो है इन्हीं के जो है रमन प्रभाव के खोज के लिए बाद में 1930 में उनको क्या मिलता है, तो नोबेल पुरस्कार मिल जाता है भौतिकी के क्षेत्र में। तो 28 फरवरी आप लोग को याद रखना है। और एक बार सेशन को जितने लोग देख रहे हैं एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए भाई लोग, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सेशन को शेयर करना नहीं भूलना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, दोनों में समझ आ गया, विश्व विज्ञान दिवस बोलेगा तो आंसर कहीं और चला जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बोलेगा तो 28 फरवरी चला जाएगा, 10 नवंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल,
एडिडास कंपनी ने अपना नया सीईओ किने बनाया है। सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको बोलते हैं। तो पहले थे कैस्पर रोस्टेड, पहले थे कैस्पर रोस्टेड, अब कौन बन गए हैं, तो बियॉन गुल्डन। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डायरेक्ट सवाल केवल याद रखिएगा, एडिडास वगैरह का देखे होंगे, बहुत सारे स्पोर्ट्स वेराइटी भी ये बनाते हैं, एडिडास का स्पोर्ट्स वेराइटी भी आप लोग को देखने को मिलता है। और आप लोग को यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, सत्य नडेला, अरविंद कृष्णा, ये सब कहाँ के हैं, तो ये भारत के वैसे व्यक्ति हैं जो कि विदेशों में सीईओ के पद पर काबिज हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। बोला कि हाल ही में जनरल मनोज पांडे ने ग्रीन स्टेशन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया है, इसमें सभी सैन्य स्टेशनों में प्रथम स्थान पर कौन रहा, यानी कि वो कौन सा स्टेशन है जो कि प्रथम स्थान पर रहा और उनको पुरस्कृत किनके द्वारा किया गया, मनोज पांडे के द्वारा उनको पुरस्कृत किया गया। कौन सा स्टेशन, जितना भी सैन्य स्टेशन है उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो आपको याद रखना है पहला पर है कौन, तो जयपुर, जयपुर मिलिट्री स्टेशन जो कि पहला नंबर पे है। दूसरा पे कौन है, तो आप लोग को याद रखना है दूसरा पर जैसलमेर आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि आपको डायरेक्ट सवाल पूछेगा ग्रीन स्टेशन ऑफ द ईयर 2021-22 में अगर बोला जाएगा सबसे नंबर वन पे कौन है, तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन देखने को मिलेगा, जो कि इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। सेना ध्वज से प्रशंसा, यानी कि जो अभी वर्तमान में जनरल है, जो हमारे सेनाध्यक्ष है, जो कि सेना के प्रमुख है मनोज पांडे, उनके द्वारा प्रशंसा किया गया कहीं ना कहीं, ये जो आपको सैन्य स्टेशन है जो कि जयपुर मिलिट्री स्टेशन, वो कहीं ना कहीं अच्छा काम किया है जिसको लेकर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयपुर, और वहीं आपको जैसलमेर को दूसरा स्थान पर रखा गया, जो कि स्वच्छता के मामले में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, अच्छे काम करने के लिए यहाँ पे सेनाध्यक्ष यानी कि जो सेना प्रमुख है मनोज पांडे, उनके द्वारा प्रशंसा किया गया है। अगला सवाल बोल रहा है, ये 14th नंबर सवाल है, 14th नंबर सवाल है, बोल रहा है कि भारतीय सेना किस राज्य में वालोंग की लड़ाई के हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में मेले का आयोजन किया है, तो ये मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया है, जो कि क्या बोल रहा है आप लोगों को, वालोंग की लड़ाई बोल रहा है, यहाँ याद रखना है कि वालोंग की लड़ाई कहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। त्रिपुरा में कौन सा मेला, ये बोले कौन सा मेला होता है, तो खारची महोत्सव यहाँ पे होता है, खारची महोत्सव कहाँ पे लगता है, तो त्रिपुरा में खारची महोत्सव। वहीं बिहार में अगर बात करें तो कौन सा मेला लगता है, तो सोनपुर मेला जो कि अभी लगा हुआ है और दिसंबर महीने तक चलेगा, 7 दिसंबर तक, आपको आउटलाइन जो है 7 दिसंबर तक रहेगा, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। और आपको यहाँ पर बात करें कि हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में एक मेला लगता है जिसको क्या बोलते हैं, सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड मेला कहाँ पे लगता है, तो सूरजकुंड मेला जो लगता है ये आपको फरीदाबाद में लगता है, जो कि हरियाणा में आप लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगर आप लोग स्टेटिक जीके पढ़े होंगे मेरे से, तो आप लोग बताइएगा कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मंदिर देखने को मिलेगा, जिस तरह से आप लोग सिक्किम में देखे थे कीर्तेश्वर महादेव मंदिर, त्रिपुरा में आप लोग देखे थे त्रिपुरा सुंदरी देवी मंदिर, असम में आपको कामाख्या मंदिर, पूर्वोत्तर से मात्र 4 राज्यों का आपको मंदिर याद करना होता है, बाकी सवाल नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मंदिर आप लोग को देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि भारतीय सेना जो है वालोंग की लड़ाई के 60 वर्ष पूरा हो गया है इसी वर्ष, और जो कि 1962 के चीनी हमलों का सामना करने वाले जो भी भारतीय सैनिक थे, जो शहीद होते हैं, उनको श्रद्धांजलि के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ये मेला के रूप में मनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वालोंग की लड़ाई। वालोंग की लड़ाई जो है कहीं ना कहीं जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के एरिया में रहने वाले जो भी हमारे देश के जवान हैं, उनके श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके बलिदान को याद करने के लिए, उनके वीरता को सराहनीय के लिए ये जो है मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि 60 साल इसका पूरा हो गया है। चलिएगा देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे बोल रहा है कि नवी टेक्नोलॉजीज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया है। ये नवी टेक्नोलॉजी जो कंपनी है ये होम लोन देता है, अगर आपको पैसा चाहिए, होम लोन चाहिए, व्यक्तिगत लोन चाहिए, तो ये देता है, जिसका नाम क्या है, तो आप लोग को नवी टेक्नोलॉजीज, और इसके बोले कि ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे हाल ही का मैच जो क्रिकेट मैच हुआ, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग महेंद्र सिंह धोनी को मिस कर रहे थे, भले लोग बोलते थे कि वो अच्छे नहीं खेल पा रहे हैं लास्ट समय में, मगर जो अपने टीम को था वो बरकरार रखते थे, बहुत सारे ट्रॉफी इनके द्वारा जीते गए हैं, मगर इनके जाने के बाद से जो है बिहार, जो बोल सकते हैं कहीं ना कहीं बिहार के एरिया से कहीं ना कहीं झारखंड में रहते थे, तो झारखंड और बिहार के जो माटी था उससे लगाव इनका रहा था, और ये कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद जो है बहुत सारे जो है आप लोग को देखने को मिलता है, जैसे ही क्रिकेट टीम को छोड़ते, आप देखिएगा जिस फ्रेंचाइजी के लिए आईपीएल में खेले वहां भी तो अच्छा परफॉर्मेंस, कहीं ना कहीं ट्रॉफी को जितवाते रहते हैं,
तो भारत आज भी मिस कर रहा है इनको, महेंद्र सिंह धोनी को। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्रिकेट में फिर से पिछड़ते जा रहे हैं। क्रिकेट में अपना बोलबाला था, भारत के नाम सुन के लोग डर जाता था। तो अभी जो भी मैचेज हम लोग जीत रहे हैं वो केवल और केवल जो किस्मत से जीत रहे हैं। चलिए अगर रणवीर सिंह की बात करते हैं तो फीफा के द्वारा, फीफा जो फुटबॉल के कराती है जो कि, तो फीफा के द्वारा इनको भारत का ब्रांड एंबेसडर रणवीर सिंह को आप लोग को देखने को मिलता है, ये भी याद रखना है। और सूर्य कुमार यादव भाई, आपको हम बता दें कि इनको लेकर बहुत सारे चीज वायरल होता है तो मगर जब लास्ट मैच होता है तो उसमें भी नहीं चलते हैं। तो भाई अब कहाँ चलिएगा, जो मैच कमजोर वर्ग के लोगों के साथ रहेगा क्या वहां पे आप लोग चलिएगा? किसी को भी आवाज उठाना जायज बनता है क्योंकि यहाँ पे इमोशन हो जाता है। वर्ल्ड कप में तो अच्छा प्रदर्शन करिए, वर्ल्ड कप में बहुत सारे लोगों को लगाव रहता है, खास करके जो युवा वर्ग है जो कि भारत से, खास करके बिहार से अगर बिलोंग करते हैं तो बिहार में 90% 100 में 90% ऐसे लोग होते हैं जो कि मैच में इंटरेस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं उनके जो भावना जो है उनसे खिलवाड़ होते हैं। कुछ कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको ढोया जाता है, तो ये सब चीज़ों से दूर रहना है आप लोगों को। क्रिकेट देखें ही नहीं है, देखना ही नहीं है आप लोगों को, क्रिकेट से दूर रहिए क्योंकि वो आपके जो इमोशन है इमोशन से खिलवाड़ करेगा। तो सूर्य कुमार यादव केवल याद रखिएगा कि पिंटोला, पिंटोला का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया। बताइए कि इन लोगों का ब्रांड एंबेसडर क्या है के लिए बनाया गया है? ये पहनेगा जूता तो वही जूता सबसे बढ़िया रहेगा, अगर ये पहनेगा जूता तो यही जूता तो बढ़िया है। विराट कोहली जो पानी पिएगा वही पानी बढ़िया है, ऐसा नहीं ना है? हम भी विराट कोहली के प्रशंसक हैं, मगर कहने का मतलब है कि अगर कोई गुटखा का प्रचार कर देता तो ये सब चीज़ों से हटना है। वह नहीं कि वो गुटखा खा रहा है तो वो गुटखा ही सबसे बेस्ट होगा, ऐसा नहीं। वो पैसा दे रहा है, वो कंपनी बड़ा कंपनी है, पैसा दे रहा है उसको, तभी वो उसका प्रचार कर रहा है। तो पिंटोला का ब्रांड एंबेसडर अब देखिएगा अक्षय कुमार बोरो प्लस का प्रचार करता है। भाई तो बोरो प्लस लगाता होगा तब ना, बोरो प्लस इसको भी तो लगाना चाहिए। अब बोरो प्लस ज्यादातर जो यूज करती है महिलाएं यूज करती है। तो अक्षय कुमार ब्रांड एंबेसडर काहे के लिए बना है? ये अपनी पत्नी को बनाता, ये अपनी पत्नी को जायज बात है कि बोरो प्लस को बनाना चाहिए था। बोरो प्लस ज्यादातर महिलाएं यूज करती हैं, ऐसे पुरुष भी यूज करते हैं। तो अक्षय कुमार जो है बोरो प्लस का ब्रांड एंबेसडर है। तो इसको जो जिसको मन करता है वो ब्रांड एंबेसडर बन जाता है। और यहाँ का जनता जो है कहीं ना कहीं जनता का गलती है कि वो क्या करते हैं उसी बहाव में बहते चले जाते हैं। चलेगा आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं, आज का 16 नंबर और आज का अंतिम सवाल। जब भी हम सेशन करेंगे तो उसमें 16 सवाल रोजाना रहेगा आप लोगों को, 16 सवाल हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे ताकि आप लोगों को जितने भी एग्जाम देते हैं खास करके बिहार के एग्जाम, बिहार के एग्जाम देखिएगा बहुत सारे चीज होते हैं जो नेशनल लेवल पे आपको मिल जाते हैं, मगर बिहार के परस्पेक्टिव से बिहार में क्या, बिहार के कौन कौन से एग्जाम को ध्यान में रखकर कवर किया जाता है वो सेशन ये वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर सवाल बोल रहा है कि टासी गंगा किस राज्य में है जिसे विश्व का सबसे ऊंचे मतदान केंद्र के रूप में जाना जा रहा है? देखिएगा ये हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि 12 नवंबर को, यानी कि 12 नवंबर को यानी कि आज ही के दिन यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे 12 नवंबर को ही मतदान होने वाला है। ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है यहाँ पे, तो 12 नवंबर को यहाँ पर चुनाव है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र के रूप में जाना जा रहा है। क्योंकि कहाँ पर देखने को मिलेगा तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में आप लोग को देखने को मिलेगा जहाँ पे। अब इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं जो जानिएगा थोड़ा सा शॉर्ट में। देखिए करंट अफेयर्स ऐसा चीज होता है जहाँ पे आपको छटनी करने आना चाहिए, छटनी करने आएगा तभी आप एग्जाम में निकल पाइएगा। क्योंकि अगर मान लिया जाए एक पेपर का कटिंग है जी, अगर कोई आर्टिकल दिया हुआ है तो आप उस आर्टिकल में से चुनना है कौन कौन सा चीजों को रखें, कौन कौन सा चीजों को हटाएं उसको, क्योंकि करंट अफेयर्स का दायरा बहुत बड़ा है, रोजाना ढेर सारे सवाल आते हैं और रोजाना आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी ऑथेंटिक चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए काम के हों उसी को हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर बोला विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में। इसका क्या नाम है? टासी गंगा। आपको इसकी ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से 15,256 फीट है, 15,256 फीट है। और यहाँ पे माइनस में भी चला जाता है, कभी कभी बात करते हैं यहाँ पे तापमान जो है माइनस में भी चला जाता है। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव जो है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है ये पहली बार हो रहा है, यहाँ पर विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है जो गाँव में, जो कि क्या नाम है, टासी गंगा। अब बात करें कि टासी गंगा जो गांव है क्या यहाँ पे ये पहली बार चुनाव ही हो रहा है? देखिएगा ये विधानसभा का पहली बार हो रहा है, लोकसभा का चुनाव यहाँ पे ऑलरेडी पहले हो चुका है, लोकसभा का चुनाव यहाँ पे हो चुका है। और दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो कि टासी गंगा 2019 में स्थापित किया गया था, क्योंकि टासी गंगा जो है ये कब स्थापित किया गया था याद रखना है कि ये 2019 में स्थापित किया गया था, ये भी आप लोग को याद रखना होगा, 2019 में इसको स्थापित किया गया था। और ये क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र। अब इतना आप बताइएगा माइनस में यहाँ पे तापमान रहता है फिर भी लोग यहाँ पे जाकर वोट करते हैं, और
वोट भी वैसा नेताओं के लिए करते हैं जो कि उनके सुनते ही नहीं है। तो बताइए सबसे अगर मूर्खता वाला काम करते तो कौन करते हैं? हम लोग करते हैं ना, हम ही लोग तो चुन रहे हैं भाई उनको। आपको तो पूरी तरह से आजादी है कि आपको जो चीजें अच्छी लगती है वो करिए। तो फिर ऐसे जो नेता है उनके बहाव में मत आइए, जो अच्छे लोग हैं उनको वोट करिए। जो अच्छे लोग हैं जो प्रचार करते हैं, जैसे आप खास करके अभिनेता वर्ग और क्रिकेटर, आज के समय में पहले के जो भी अभिनेता थे उनको पूजा जाता है, पहले के जो कलाकार थे उनको पूजा जाता है, आज के कलाकार हैं कहीं ना कहीं गलत एक्टिविटी को प्रोत्साहित करते हैं। कोई आपको शराब को प्रचार कर रहा है, कोई आपको गुटखा का प्रचार कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमारे समाज को पीछे धक्का दे रहा है। तो जहां मतदाताओं की बात करें तो एक बार यहां पे लोकसभा का चुनाव हुआ है और दूसरी बार भी यहां पे उप चुनाव हुआ था लोकसभा का, और पहली बार ऐसा हो रहा है जब यहां पर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है जो कि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाला है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जो भी नए लोग जुड़े हैं, जो अभी देखे हैं, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे बिहार में ऐसा पहली बार किया जा रहा है कि आपको दो फॉर्मेट में आपको पीडीएफ हम उपलब्ध कराते हैं, ताकि आपको क्या हुआ, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं ये चीज़ को फेस किए हैं, कहीं ना कहीं मुझे भी कभी ना कभी दिक्कत होता था। तो आपको बोर्ड पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कि जो भी बोर्ड पे लिखा जाता है वो तो मिलेगा। इसके अलावा प्रिंट फॉर्मेट में, यानी कि आपको फ्री में, इसके लिए कोई चार्ज नहीं पे करना है। यहाँ पे प्रिंट फॉर्मेट यानी जो भी दिन भर में पढ़ाए जाते हैं वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा इस तरह से, ताकि आप लोग जाके इसको पीडीएफ भी साइबर कैफे से निकाल लीजिएगा और वहाँ आसानी से रिवीजन। जैसे एक सवाल था यहाँ पे कि भारत के G20 की अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किसने किया? अगर आपके पास ये ऑलरेडी हार्ड कॉपी में होगा, हार्ड पीडीएफ में होगा, तो उसको क्या करिएगा, आप यहाँ पर जाइएगा, लिखिएगा बगल में करके नरेंद्र मोदी कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, तो रफिंग हो जाएगा, आप रिविजन करने में आपको क्या होगा, सुविधा होगा। यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो ये कौन है, तो राष्ट्रपति है। ओम बिरला कौन है, तो हम ऑप्शन भी उस तरह से बनाते हैं ताकि आपको वहां पे दिक्कत ना हो। चलेगा यहाँ पे किन्हीं को पीडीएफ नहीं मिलता है, पीडीएफ के लिए आपको जो लिंक दिया हुआ ना डिस्क्रिप्शन में, आप जाइएगा सबसे नीचे, तो आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। अगर किसी को नहीं मिलता है तो जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है वहां से आप लोग संपर्क करिएगा, वहां से आप लोग क्या करिएगा, जाके बातचीत करिएगा कि हमको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल पा रहा है, आपको पर्सनली प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जैसा कि सेशन को एंड करते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोज बताइए, इतने लोग देख रहे हैं, 50 कमेंट भी नहीं हो पाता है। अब बिहारियों के, बिहारी को ऐसा जब बोला जाता है, बिहार के वैसे लोग होते हैं जो जेन्यून होते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को जो चीजें बोला जाता है रिस्पेक्ट पूर्वक उसको करने का प्रयास करते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर करना है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर करना है। जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, पिछले क्लासेज में कुछ सवाल पूछे थे उसका आंसर बहुत सारे लोगों ने भी किया था, तो आप लोग इसका आंसर करना है और लिखना है, वहां पे मेंशन करना है कि आज का उत्तर ऐसे लिखना है, ताकि आपको पता चले, ताकि जो नए वीडियो देखने वाले हैं उनको भी वहां पे सहूलियत हो कि आज का उत्तर, जैसे आप जाइएगा कमेंट में, जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये क्या है, विश्व शांति स्तूप है। तो विश्व शांति स्तूप कहां पर देखने को मिलेगा, बिहार में आप लोगों को कहां पे विश्व शांति स्तूप देखने को मिलता है, उससे संबंधित अगर कोई फैक्ट जानते हैं तो आप लोग क्या करिएगा, वहां पे कमेंट करिएगा, उसके बारे में बताइएगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो विश्व शांति स्तूप जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसके बारे में जो भी आप इंफॉर्मेशन जानते हैं, वीडियो जैसे ही एंड होता है तो आप जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके बाद आप लोगों को बता दूं कि जो भी लोग नए जुड़े हुए हैं तो नालंदा बैच के बारे में जरूर जान लीजिए। यहाँ पे अभी बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, तो बीपीएससी एग्जामपुर की तरफ से आप लोगों को 25% डिस्काउंट चल रहा है और सभी कोर्सेज पे आपको क्या है, डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि बीपीएससी 75 आप लोग को कोड इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे मात्र पीटी का कोर्स 749 रुपये में मिल जाएगा। वहीं मेन्स की बात करें, पीटी प्लस मेन्स, यानी कि पीटी प्लस मेंस, ये बैच 68वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। सभी चीजें जो है 68वीं बीपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा और टू द पॉइंट, जो रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई होता है, एग्जाम ओरिएंटेड होता है, जिसमें आप लोगों को कोड को इस्तेमाल करना है बीपीएससी 25 और मात्र 999 रुपया में आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। और आप लोग को जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ आप लोग जुड़े हैं, तो आप लोगों से हम वादा करते हैं कि आपका जो भी डिमांड है वो जल्द ही हम पूरा करेंगे। बिहार एसएससी को लेकर करंट अफेयर आप लोग को देने वाले हैं, बीपीएससी को लेकर स्पेशल जो कंटेंट है जल्द ही आप लोग को देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि जो है सामंत सर के द्वारा जो है दोनों क्लासेस जो है संचालित किया जाएगा जल्द ही, इसका एडमिशन भी शुरू हो गया है। जहां पे आप अगर बिहार स्पेशल की तैयारी करना चाहते हैं तो बिहार स्पेशल की मात्र कोर्स आपको 499 रुपया में, और वहीं अगर बात करते हैं एनसीईआरटी का कोर्स तो 599 रुपया में आप लोग को देखने को मिलेगा। जहाँ पे 6ठा से लेकर 12वीं तक का जो भी क्लास का बुक होता है, जैसे आपका हिस्ट्री होता है, पॉलिटी को कवर करेंगे सर, इसके अलावा ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक्स को सर के द्वारा कवर किया जाएगा। और बिहार स्पेशल जो है आप लोगों को बिहार स्पेशल में थोड़ा सा चेंजिंग क्या किया जाएगा कि थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा, प्लस में आपको ढेर सारे एमसीक्यू भी कराया जाएगा, क्योंकि शशि सावंत सर के द्वारा कराया जाएगा। और आप लोगों को बता दूं
कि जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो आप लोग को 9 बजे जुड़ना है। इसी के साथ आप लोग को सेशन ये जो रहता है, इसी के साथ में आप लोग को एक और सेशन आता है जिसको हम लोग स्टैटिक जीके के रूप में जानते हैं, जहाँ पे वैसे सवाल को कवर करते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो बार बार पूछे जाने वाले सवालों को हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपका सेशन ये 9 बजे चलता है, जिसका सेट नंबर आज 10 रहेगा, यानी कि 10वां सेट को हम लोग कवर करेंगे। और किसी भी तरह का अगर डाउट होता है आप लोगों को, किसी भी वीडियोज में रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आप लोग को लगता है कि वो सवाल आप नहीं जानते हैं, उसका आंसर चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई वैसा टॉपिक जिससे आपको हमेशा से कन्फ्यूजन क्रिएट आता है, तो उसको भी आप लोग मेंशन करिए, उसको हम अगले क्लासेज में जरूर बताने वाले होंगे। और इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए बीपीएससी एग्जामपुर। धन्यवाद।